नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे बेस्ट फोन्स अंडर 25,000 पे। एंड यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बजट है 20,000 से 25,000 रुपए का तो आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों इस बार हमने कोई पर्टिकुलर लिस्ट में ऑर्डर नहीं रखा है एंड बिकॉज बहुत सारे फोन्स इतने बढ़िया हैं तो किसी को एक कैटेगराइजेशन में डालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैमसंग के फोन से जो कि है सैमसंग गैलेक्सी F62। एंड ये जो फोन है ये बहुत दिनों पहले लॉन्च हुआ था एंड ये एक नॉन 5G फोन है। सबसे पहले तो इसमें दोस्तों आपको एक्सोनॉस 9825 का प्रोसेसर मिलता है लेकिन 7000mAh की बैटरी मिलती है विद 25W के चार्जर जो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है लेकिन आपको वो हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया मिलती है ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ दोस्तों जो कैमरा है वो सही है लेकिन जो प्रोसेसर है और अब यहाँ पे जो लैक ऑफ 5G है वो इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए थोड़ा सा बॉटलनेक हो जाता है। अब इस फ़ोन को खरीदने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि आपको सैमसंग का वन UI मिलता है एंड बहुत लोग सैमसंग के वन UI से फेमिलियर होते हैं। तो अगर आपका पुराना फ़ोन सैमसंग होता है तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि भाई सैमसंग में ही बताओ बिकॉज वो जो वन UI है हमारे लिए बेटर है। तो ऐसे में अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हैं। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ऑल्ट्री लाइफ और वो नॉक सिक्योरिटी एंड जितने भी आपको फीचर्स मिल जाएंगे वो आपको मिलते हैं। इसी के साथ है दोस्तों इस फोन का कैमरा है जो उसकी प्रोसेसिंग है मुझे बढ़िया लगती है एंड जो डिस्प्ले है ऑफ कोर्स हायर रिफ्रेश रेट में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे आप उसमें वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। सो हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस हैं बट देन अगेन सैमसंग का फोन लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं रियलमी की तरफ जो कि है रियलमी X7। एंड ये फोन दोस्तों 20,000 रुपए के आसपास स्टार्ट होता है एंड ऑफ कोर्स जैसे वेरिएंट हाई जाएंगे तो आपको यहाँ पे हायर वेरिएंट वाले फोन्स मिलते हैं जिसमें आपको बेटर रैम एंड बेटर स्टोरेज एंड दैट इज एक्चुअली द केस विद मोस्ट ऑफ द फोन्स जो आपको इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रियलमी की तरफ से रियलमी X7। एंड ये फोन दोस्तों 20,000 रुपए के आसपास स्टार्ट होता है एंड हायर वेरियंट्स आपको 21-22,000 रुपए में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 800U मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 660 हर्ट्ज का एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपको 64 MP का कैमरा में मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको रियलमी UI के कारण, इसके 5G प्रोसेसर के कारण आप ले सकते हैं एंड ओवरऑल जो इस फोन का जो लुक्स एंड जो फॉर्म फैक्टर है उसके लिए। अब यहाँ पे 750G के अगर आसपास आप उसका कंपेयर करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। एंड ये फ़ोन मैं सबके लिए तो नहीं रिकमेंड करूँगा बिकॉज आगे और भी फोन्स आने वाले हैं, बट ऑफकोर्स ये एक ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉर्ड की तरफ से एंड नॉर्ड CE 5G। सो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं नॉर्ड की तरफ से, हमने उसका ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर आप कैमरा डिपार्टमेंट छोड़ दें तो उसके बाद दोस्तों जो आपको ऑक्सीजन OS मिलता है वो इस फोन का सबसे बड़ा USP है। ऑक्सीजन OS के कारण आप इस फोन को खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है 90Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। एंड जो फॉर्म फैक्टर है वो बढ़िया है, इट्स ईजी टू यूज, इट्स ईजी टू वर्क विद सिंगल हैंडेड एंड उसमें आपको जो एक वन UI सॉरी आपको ऑक्सीजन OS का जो OS मिलता है विद जीरो मतलब ऑलमोस्ट एक दो ब्लोटवेयर ही है। सो इसके लिए मैं ये फ़ोन आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ उनके लिए जिनको फिनिश चाहिए, जिनको स्मूथनेस चाहिए। ऑफकोर्स ये हैवी गेमर्स के लिए नहीं बना है फ़ोन एंड उसके लिए दोस्तों लिस्ट में आगे और भी नाम है। सो विदाउट हैवी गेमिंग अगर आप चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। अब अगले फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रियलमी की तरफ से रियलमी X3 सुपर जूम एंड ये अपने सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फोन रह गया था। अब देखो यहाँ पे इस फोन में आपको ट्रू फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर जिसमें आपको 64 MP का कैमरा, 30W इनबॉक्स चार्जर मिल जाएगा, 6.57 inches का फुल HD प्लस 120Hz LCD डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो LCD डिस्प्ले है वो इस पर्टिकुलर फोन का सबसे बड़ी कामी है, नॉट बिकॉज ये LCD है बट बिकॉज ये LCD की क्वालिटी है वो बहुत इंफीरियर यूज़ की गई है। डिस्प्ले ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, सनलाइट लेजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत कम है। सो ओवरऑल जस्ट फॉर इंडोर गेमिंग्स अगर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला फ़ोन चाहिए विद रियलमी UI ऑफकोर्स आप इस फोन पे कंसिडर कर सकते हैं। बट देन अगेन आई वुड से कि डिस्प्ले जो है वो इतना बढ़िया नहीं है, कैमरा ऑफकोर्स यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है सो वो भी एक एडेड एडवांटेज है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले फोन की तरफ, जो कि है Mi 11 Lite और Redmi Note 10 Pro Max। ये एक कॉम्बो है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, जो आप इन दोनों में से कोई भी चाहे खरीद सकते हो। अब देखो Mi 11 Lite क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फ़ोन है एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी और वो स्लीकनेस मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखो बहुत सिमिलर स्पेसिफिकेशंस हैं Redmi Note 10 Pro Max से। अब Redmi Note 10 Pro Max में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, थोड़ा भारी है फ़ोन, लगभग 200 ग्राम के आसपास, 196 to 200 grams, एंड वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मतलब सेम प्रोसेसर मिल जाएगा। सो ओवरऑल इन दोनों फोन्स में से अगर आप MIUI का कोई भी फ़ोन, मतलब Xiaomi की तरफ से अगर कोई भी फ़ोन खरीदना चाहते हैं, सो अगर आपकी जो प्रेफरेंस है वो अगर लाइट वेट फ़ोन है तो आप Mi 11 Lite खरीद सकते हैं या फिर Redmi Note 10 Pro Max भी खरीद सकते हैं, अगर आपको वो फिनिश वगैरह नहीं चाहिए बट यू स्टिल नीड अ फ़ोन जिसमें आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको Mi 10i का भी ऑप्शन मिलता है Xiaomi की तरफ से, एंड वहाँ पे आपको Snapdragon 750G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 5G फ़ोन है। सो अगर आपको सुपर एमोलेड विद वो सारी डिफरेंसेस नहीं चाहिए डिस्प्ले, अगर आपको IPS LCD डिस्प्ले से कोई दिक्कत नहीं है और इतना ज़्यादा हैवी फ़ोन से भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। Snapdragon 750G का क्या है, प्रोसेसर बढ़िया है, गेम वगैरह यहाँ पे बढ़िया से चल जाएंगे एंड 732G से ऑफकोर्स पावरफुल है। सो ओवरऑल देखो अब बहुत सारे फोन्स आपको इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में मिलते हैं Xiaomi की तरफ से, तो यू हैव टू डिसाइड आपको 5G लेना है या फिर आपको एक बढ़िया कैमरा चाहिए, बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। सो इफ़ योर प्रायोरिटी इज डिस्प्ले एंड ऑडियो, ऑफकोर्स आपको Redmi Note 10 Pro Max भी अच्छा लग सकता है फॉर द प्राइस दैट इट्स ऑफरिंग, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, बढ़िया स्पीड ऑफ की मेमोरी चाहिए, तो आप Mi 10i पे भी नज़र डाल सकते हैं। एंड फाइनल फोन है दोस्तों इस लिस्ट में iQOO Z3, एंड नो इट्स नॉट द टॉप फोन इन द लिस्ट बट इट इज़ द फाइनल फोन इन द लिस्ट। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, गेमिंग प्रोसेसर जिसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, आपको बढ़िया बैटरी मिलती है, बढ़िया चार्जिंग स्पीड मिलती है। हमने ऑलरेडी iQOO Z3 के रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस कर रखे हैं हमारे चैनल पे, जो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस फ़ोन में दो कमियां रह गई हैं, एक्चुअली कमियां तो और भी हैं लेकिन दो सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो ये कि सबसे पहले तो जो कॉस्ट कटिंग करी गई है वो अच्छी जगहों पर नहीं करी गई है। आपको जो UI मिलता है उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स हैं, एंड ये जो ब्लोटवेयर्स हैं उसमें प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको जो प्राइवेसी के लिए ऑप्शंस देने पड़ते हैं वो इतने ज़्यादा इंटुएटिव नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात है ओलियोफोबिक कोटिंग लगाने की, इसमें कंपनी ने ज़रूरत नहीं समझी, लगानी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिल पाता, तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है इस पर्टिकुलर डिवाइस का, एंड इस पर्टिकुलर यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले जिस फ़ोन में आपको मिलता है ना वो मुझे ज़्यादा बढ़िया मिलता है, अ गुड AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नॉट एक अच्छा कंटेंडर लगा मुझे इसका, सो ये एक अच्छी बात लगी। बट ओवरऑल देखो अगर आपको बढ़िया प्रोसेसर चाहिए एंड डिस्प्ले इज ओके एंड आप केस या कवर एंड स्क्रीन गार्ड लगाओगे तब आप इस फोन को खरीद सकते हो। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन जो आप 25,000 रुपये से नीचे खरीद सकते हैं। आई होप आपको लिस्ट पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।